गाइस, आज मैं आ गया हूँ देवकुंड, और देवकुंड में आपको देखने के लिए मिलेगा टेम्पल, और एक जंगल के अंदर जाएंगे और वाटरफॉल भी मिलेगा देखने के लिए। तो वीडियो को जारी रखिए और देखते रहिए मेरे साथ देवकुंड। और देवकुंड जाने के लिए है, और जो टाइमिंग है मॉर्निंग 7 o'clock के बाद गेट ओपन होता है, और जो मेन गेट है, मेन गेट से 5 kilometers जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। 2 wheeler के लिए 10 rupees है, अगर कार लेके जाओगे तो आपके लिए 50 rupees चार्जेस रहेगा। तो मिलते हैं फिर आगे। तो ये जो है एंट्री गेट है, ये 7 o'clock ओपन होता है। 7 o'clock के पहले अगर आओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको कुछ स्नैक्स आइटम लेना है तो आप ये जो रोड है, ये रोड में थोड़ा आगे जाओगे तो स्नैक्स का शॉप मिल जाएगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर कुछ स्नैक्स आइटम ले सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, देखते हैं अंदर नेक्स्ट क्या क्या है। जो अंदर का रोड है इस तरह का है, और ये मेन गेट से अराउंड 5 kilometers डिस्टेंस में है। जो अंदर जाते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसके बाद गाड़ी अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है कि गाड़ी यहाँ पार्क करो और पार्क करके अंदर जाओ, तो आपको वॉकिंग करके जाना पड़ेगा अंदर। तो चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। अरे एक ब्रिज है, आप देख सकते हो। ये जो वाटरफॉल है ना देवकुंड का, वो वाटर ये नीचे जा रहा है, ये देखो। जा रहा हूँ मैं अंदर, 1.5 kilometers है, चलते हैं फिर ऊपर देखते हैं क्या क्या है। जंगल का जो अंदर रोड है काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हो आप इसीलिए आप जा सकते हो। रेड मिट्टी का है रोड। जो जंगल का नेचुरल साउंड है ना काफ़ी अच्छा है, बर्ड्स का साउंड आता है। तो जंगल के अंदर आपको मिलेगा काफी बड़ा बड़ा ट्री देखने के लिए, ये देखो सालों पुराना ट्री मिलेगा आपको देखने के लिए, काफी बड़ा बड़ा ट्री है इधर।
ये एक्चुअली सिमलीपाल जंगल जो है ना, इसको टच हुआ है तो काफ़ी बड़ा जंगल है। 3 PM के बाद अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि तब जो जंगली जानवर सब नीचे आते हैं, तो वहाँ पे जो बोर्ड में लिखा था कि आफ्टर 3 नॉट अलाउड। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या क्या है। फिलहाल तो रोड में जा रहे हैं हम अंदर, अंदर जाने के बाद दिखाता हूँ अंदर का क्या नज़ारा। और यहाँ पर देखो कुछ पत्थर का बना हुआ है, मतलब कुछ फीस और सब। पास में जाता हूँ, कुछ इस तरह का बनाया है फीस। और ये मगरमच्छ, ये क्या है, कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टैचू बना हुआ है। जंगल अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं, कोई नहीं है अभी तक अंदर। बीच बीच में आपको बैठने के लिए मिल जाएगा, रेस्ट लेने के लिए आप रेस्ट लेके ऊपर जा सकते हो। जो जंगल का व्यू कुछ इस तरह का है, देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, मस्त लग रहा है। सुबह सुबह आओगे तो आप उसका ना कुछ मज़ा ही अलग है। एक्चुअली मेरा सजेशन ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए तो आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा। शायद मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट, क्योंकि वाटरफॉल का साउंड काफ़ी तेज़ी आ रहा है। अभी आ गया और एक ब्रिज देख सकते हो, कुछ इस तरह का है। साउंड देख रहे हो कितना मस्त है। जो एंट्री है मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ पर वाशरूम है, कुछ इस तरह का है जो एंट्रेंस। टेंपल को जाने के लिए ये स्टेप से जाना पड़ेगा। अगर आप वाटरफॉल देखना चाहते हो तो पहले तो आपको ये जो रोड है इस तरह से जाना पड़ेगा। तो ये देखो कितना प्यारा सा वाटरफॉल है, ये देखो। और यहाँ पर बोर्ड में लिखा है कि ये काफ़ी गहरा है, यहाँ के इसके अंदर मत जाइए और स्विमिंग करने के लिए इसको अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो है देवकुंड काफ़ी बड़ा है, और वाटरफॉल जो है काफ़ी बड़ा है, थोड़ा दूर है, कैप्चर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ये देख सकते हो। Thank you.
फाइनली आ गया हूँ देव कुंड, अभी पहुँच गया हूँ मैं। एक्चुअली इसका नीचे हूँ और नीचे का जो कुंड है ये है, और आप देख सकते हो ऊपर जो जाना है ऊपर जाके टेम्पल उधर है, और टेम्पल का जो रोड है आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरफ चलते स्टेप से ऊपर जाने के लिए, एक्चुअली पूरा हिल्स के ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर है जाके टेम्पल। तो आ रहे हो तो यहाँ पर स्विमिंग वगैरह मत कीजिए क्योंकि काफ़ी गहरा है, और यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि स्विमिंग मत कीजिए। और ये जैसे कुछ फ्रूट्स का ट्री है, तो अभी तो वाटरफॉल दिखना हो गया, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा कैसा है ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर जाने के लिए पहले तो आपको स्टेप मिलेगा कुछ इस तरह का है। अभी जो आया मैं यहाँ से आया हूँ, तो अभी मंदिर के लिए ऊपर जाना पड़ेगा इस तरह का कुछ है। तो चलते हैं ऊपर फिर देखते हैं स्टेप्स कितना तक है और कैसा है ऊपर। काफी ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का रोड है ऊपर ऊपर नहीं बड़ा कौन रास्ता है इतना बोले देखो जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है, काफ़ी प्यारा है। लीटर पानी आता था ना बरसात में, हाँ तब का नज़ारा कुछ अलग रहेगा। तो अभी हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि कोई नहीं है, पता नहीं पंडित आएंगे कि लेट आएंगे। फिलहाल देखते हैं ऊपर। आ रहे हो तो पानी बोतल साथ में लेके आइए क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, आप देख सकते हो कैसा। किड्स लेके आओगे तो बी केयरफुल क्योंकि हाइट काफ़ी दो काफ़ी हाइट है, देख सकते हो।
पहले मिलेगा आपको गणपति बाप्पा मौर्य। और जय बजरंग बली। ना आपको नहीं मिली हड़बड़ भी नहीं मारा है कौन है ना फोटो उठाने मना रखा है और वहाँ पर लिखा है कि टेम्पल के अंदर फोटो उठाना अलाउड नहीं है। तो टेम्पल का बाहर जो है मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यहाँ पर जो यज्ञ वगैरह यहाँ पर होता है, और यहाँ पर देख सकते हो जो आपका मन्नत मांगने आते हैं ना लोग, तो यहाँ पर बांध के जा सकते हो। जैसे आपका मन्नत पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर निकाल के पूजा कर सकते हो। तो नीचे का जो वाटरफॉल था यहीं से पानी जाता है, तो वाटरफॉल के तरफ जाना अलाउड नहीं है और लिखा है कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी गहरा है। तो ये था वाटरफॉल, थोड़ा पास जाता हूँ दिखाता हूँ। तो ये था वाटरफॉल, पानी वहाँ से आता है और वहाँ से आके, और नीचे जो कुंड है उसका नाम है देवकुंड। जो वाटरफॉल है और एक वाटरफॉल इधर है, तो यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ से कुंड है, यहाँ से नीचे जाके जो देवकुंड दिखाया मैंने वहाँ जाके मिलता है और वहाँ से नीचे जाता है। टेम्पल का नज़ारा कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा प्लेस है। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कैसा नज़ारा। हम लोग एक्चुअली इस तरफ से आए थे, तो यहाँ से आके जो टेम्पल है भगवान का इधर है और नीचे कुंड है, और कुंड को जो पानी आता है यहाँ से आता है, और यहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है उतना दिखा पा रहा हूँ। और एक जो वाटरफॉल है यहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब बारिश का टाइम पे ही आता है, तो बाकी टाइम पे आपको वाटर नहीं दिखने को मिलेगा। जब बारिश होता है तभी आप आओगे तो उस साइड में और एक वाटरफॉल मिलेगा आपको, जो ये देख रहे हो ना नीचे, और एक वाटरफॉल आएगा इधर से। फिलहाल अभी बारिश का टाइम नहीं है तो पानी नहीं आ रहा है। तो कैसे लगा आज का वीडियो आपको बताओ कमेंट करके, और मिलते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ और एक नया प्लेस के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।